previous 10 years question ka part. We are going to solve UGC Net History 2020 paper, the first 50 questions, and finish it today. तो फटाफट से ज्वाइन इन कर लीजिए और नया महीना है, नए टारगेट्स हैं, नए सेशंस हैं, एवरीथिंग व्हिच हैज बीन डिजाइन स्पेशली स्पेशली फॉर यू. सो ये महीना हम शुरू करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो शुरू करेंगे 2020 के क्वेश्चंस से. एंड इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट 50 क्वेश्चंस एंड द नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास. सो एवरीवन जॉइन इन क्विकली एंड लेट्स बिगिन द क्लास. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल. एंड एज ऑलवेज आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है. एंड ऑल यू आर मेकिंग टारगेट्स, फिनिशिंग टारगेट्स एंड स्मैशिंग इट एवरी डे, परफेक्ट. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. तो 50 क्वेश्चन की जंग है, रैपिड फायर क्वेश्चंस है. तो फटाफट से आई होप यू ऑल आर इन दिस फुल ऑन जोश. तो बल्लू, अल्पना, मौसमी, अब्दुल, इंद्रजीत, पद्मिनी, हत्सी, सचिन, संगीता, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. ज्योति, वर्षा, दीपिमा, हेलो एंड वेलकम, वेरी वेरी वार्म वेलकम. तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए इन 1 मिनट. अनामिका, हेलो. जिमिन, हेलो, गुड आफ्टरनून. एंड ऑल्सो क्विक रिमाइंडर एवरीबडी, तो जो हमारे ऐप सेशन होते हैं वो ट्यूजडे वेडनेसडे को पहले हुआ करते थे, अब मंडे को भी ऐप सेशन है ना. तो मंडे हम आपसे मिलेंगे 11 बजे ऐप सेशन पे, जहां पे हम सॉल्व करेंगे प्री हिस्ट्री के क्वेश्चंस. सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आपको थोड़ा याद रहेगा कि मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सब दिन आपके ऐप सेशन है. ठीक है, पहले मंडे नहीं होता था, मंडे भी है. तो फटाफट से ज्वाइन इन एंड लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग हियर. बिल्कुल बिल्कुल. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और मजेदार से फटाफट 50 क्वेश्चंस जो है वो खत्म करते हैं. तो जस्ट इससे पहले, बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, अ क्विक क्विक रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू. फर्स्टली, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का अभी भी पार्ट नहीं है, प्लीज मेक श्योर यू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर पेपर वन एंड पेपर टू, लेटेस्ट अपडेट्स, ऑल द इंपॉर्टेंट सेशन जो हम करते रहते हैं ऑल द टाइम. उसके बाद हमारे ऐप सेशन होंगे अब हर हर दिन, टेक्निकली वीक में मंडे, ट्यूजडेज, वेडनेसडेज. आई एम गोइंग टू टेक द सेशन एट 11 AM. और हमारे यूट्यूब सेशन होते हैं अगेन ट्यूजडे, Wednesday, Thursday and Friday. I take on Thursdays and Friday at 3 PM. Also, please make sure कि आप Byju's exam prep को subscribe कर लें. Subscribe करना बहुत important है, वरना जो भी paper 1 plus paper 2 की नई चीजें, important चीजें, हर वो चीज जो आपको GRF clear करने के लिए जरूरत है, you are going to miss that. So इससे पहले कि ये सारी चीजें miss ना हो, फटाफट से subscribe कर लीजिए और चलते हैं हमारे पहले questions session में. तो 30 क्वेश्चन नहीं है आज, 50 क्वेश्चन है. तो फुल ऑन जोश के साथ शुरू करते हैं. ओके, एंड अप्रैल का महीना का फर्स्ट स्टार्ट, वी आर गोइंग टू डू दिस. सो टू सेशंस हम 2020 के क्वेश्चंस को करेंगे 50-50, एंड उसके बाद वाले सेशंस में हम दो दो टॉपिक को हर क्लास में खत्म करेंगे. ऑल्सो हमारे ऐप सेशन में भी हम डिटेल टॉपिक्स और क्वेश्चन कर रहे हैं टॉपिक वाइज. तो प्लीज उन्हें भी 11 बजे ज्वाइन करिएगा और 3 बजे हियर फॉर ऑल दिस होलिस्टिक प्रिपरेशन. तो चलिए शुरू करते हैं एंड हियर वी गो. Okay, so the first question, everyone, in the early Vedic period, who was Vrajpati? Very, very important. बहुत ही simple सा question early Vedic का. तो Vrajpati early Vedic period में कौन थे? ये officer थे who led battle heads to fighting hordes, या ये senior minister थे आपके राजा के, या ये officer थे जो meetings preside करते थे tribal assemblies के, या ये कोई village headman थे? So very, very importantly, so in the early Vedic period, who was Vrajpati, everyone? Then here we go. So, 50 questions है, रैपिड सेशन है, तो फटाफट से आंसर दीजिए और रैपिड सेशंस का फायदा उठाइए, सो दैट यू कवर मैक्सिमम क्वेश्चंस इन एन आवर. सो एवरीवन, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट आंसर यहाँ पे ए है, ऑफिसर हु लेड द बैटिंग हेड्स टू फाइटिंग हॉर्स. बिल्कुल बिल्कुल सही है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग टू बिकम अ जैन नन? तो इनमें से कौन है जो सबसे पहली महिला जैन नन थी, जैन भिक्षुनी थी? सो वी हैव चंदना, वी हैव खेमा, वी हैव सुजाता, या वी हैव त्रिशला. Who was the first most important Jain nun? And here we go. Okay, so let's see who among the following here is correct. Everyone, rapid fire session है, 50 questions we have to finish. तो जोश के साथ चलिए maximum questions खत्म कर ली. इससे क्या होगा कि आपका आज का question solving का कोटा खत्म हो जाएगा. Secondly, you will see what are the questions which have recently come, तो आपको एक idea भी लग जाएगा. So absolutely correct, correct answer here is A, and I think सबने ही A बोला है. चंदना, absolutely correct. Moving to question number 3, स्त्रीधन जो ये term है, ये सबसे पहले कहाँ पे mentioned था? ये question हमने कितनी बार कर लिया है अभी तक? ये शतपथ ब्राह्मण में पहली बार mentioned है, ये सूत्र पिटका में mentioned है, ये अर्थशास्त्रा में मेंशन्ड है, या हर्षचरिता में मेंशन्ड है? सो द टर्म स्त्रीधन सबसे पहली बार, ये इनमें से कौन सी ऐसी किताबें हैं जिसमें मेंशन्ड है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. एंड ऑल्सो जब आप पढ़ते हैं गुप्ता पीरियड, एंड ऑल्सो प्लीज रिमेंबर व्हाट इज स्त्रीधन कॉन्सेप्ट, क्या है जनरली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस, किस में लिखा हुआ है, ये सारी चीजों पर क्वेश्चन हमेशा आते हैं. सो लेट्स सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट.
बिल्कुल सही है, एंड एवरीबॉडी इज ऑन फुल ऑन जोश. बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर 3, अर्थशास्त्र. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, द एनॉर्मस वेल्थ एक्युमुलेटेड बाय नंदा हैज बीन मेंशन्ड बाय विच अर्ली तमिल ऑथर. तो किस प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों द्वारा सचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया है? हम बात कर रहे हैं कंबन की, हम बात कर रहे हैं मधुर कवि की, हम बात कर रहे हैं कुलशेखर की, या हम बात कर रहे हैं मामूलनार की. सो इनमें से कौन है हु टॉक्ड अबाउट लॉट ऑफ वेल्थ जो नंद ने अक्यूमुलेट किया था? ओके, सो मोस्ट ऑफ यू एब्सोल्युटली करेक्ट. जस्ट नोटिस द ट्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि काफी रिसेंट पेपर है ये, तो थोड़ा ट्रेंड्स भी देखिएगा कि किस टॉपिक से मोस्टली किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि अब जब आप प्रिपेयर करोगे तो यू आर गोइंग टू कीप दिस इन माइंड. सो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग डी, एंड दिस इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा डी है. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है जब हम रबतक इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, रबतक अभिलेख की बात करते हैं? फर्स्ट, क्लैरिफाइंग द रिलेशन बिटवीन कनिष्क एंड कैटफिसिस किंग्स. तो ये कनिष्क और कैटफिसिस शासकों के बीच में जो संबंध है उसको स्पष्ट करता है. ये आपको लास्ट 3 मौर्यन रूलर्स के बारे में नया इंफॉर्मेशन देता है, या ये डिस्क्राइब करता है विष्णु के अर्ली फॉर्म ऑफ वर्शिप को, विष्णु पूजा के प्रारंभिक रूप का वर्णन करता है, या ये आपको बताता है कोस्टल ट्रेड, जो तमिल हिस्ट्री की अर्ली कोस्टल ट्रेड होती थी उसके बारे में जिक्र करता है. सो व्हाट डज राप्ता इंस्पिरेशन एक्चुअली टेल यू? एंड मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट आंसर हियर इज, ये आपको क्या बताता है? दिस टेल्स यू टेक्निकली द जिनोलॉजी ऑफ कनिष्का, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो ये आपको ये भी बताते कि जो उनका फाउंडेशन ऑफ टेम्पल था उसमें कनिष्का हो गए, उनके एंसेस्टर्स हो गए, बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति है. सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है, मोस्टली फोकसिंग ऑन जिनियोलॉजीज. तो करेक्ट. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके? Yes, everybody is giving the right answer here. So, who among the following provides a much useful source of information during the beginning of Gupta era? So, Gupta era ke starting mein kaun hai jo aapko sabse best information dete? Now, these kind of questions are thoda thoda important. Kyunki jaise agar aapko generally options aate hain, to you will see kisi bhi time period ke baare mein teen logon ke naam hai, teenon same hi time period ke baare mein. So, how do you identify kisko option sabse zyada best hai? So, everyone, which of the following here is absolutely correct? बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर सभी कह रहे हैं अल्बरूनी. क्यों? क्योंकि अल्बरूनी ने पहली बार आपको बिगनिंग ऑफ द गुप्ता एरा जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, हेंस हिज इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द बिगनिंग ऑफ द गुप्ता एरा. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा जब आप पढ़ते हैं किसी भी टाइम पीरियड के बारे में तो इनकी जो की वर्ड्स है, की कॉन्ट्रीब्यूशन, उनको याद रखिएगा. सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, नॉट इवन 100 crores ऑफ माई टेरिटरी आर ओबीडियंट टू मी इन द मोस्ट प्रॉपर वे. तो ये किसने बोला है? मेरी सीमा क्षेत्र में से 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है. हु आइडेंटिफाई द पर्सन जिसको सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ये कंप्लेन कर रहे हैं? सो हम बात कर रहे हैं काजी मुजीदीन की, हम बात कर रहे हैं शरफ कैनी की, हम बात कर रहे हैं काजी फखरुद्दीन की, हम बात कर रहे हैं अलाउल मुल्क की. सो हु इज अलाउद्दीन खिलजी एक्चुअली कंप्लेनिंग टू? ओके, आई थिंक एवरीबडी इज ऑन फुल ऑन जोश. वेरी गुड एवरी वन. सो जस्ट कीप ऑन आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड्स, एंड में हम डिस्कस भी कर लेंगे, एंड फटाफट से रैपिड फायर क्वेश्चन है. तो चलिए शुरू. परफेक्ट, करेक्ट आंसर एवरीबडी हैज गिवन. करेक्ट आंसर हियर इज ए काजी मुगिजुद्दीन. ये कौन है? ये थियोलॉजियन थे अलाउद्दीन की कोर्ट की. वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली ऑल्सो यूज टू ऑलवेज अलाउद्दीन को हमेशा ये एडवाइस करते थे कि आप शरिया लॉ के अकॉर्डिंग ही अपने जो एक्ट्स हैं वो बेस करिए. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, गुप्ता पीरियड, गुप्ता एस्ट्रोनॉमर्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है. इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज है जो आर्यभट्ट ने डिस्कवर नहीं की थी? अर्थ इज अ स्फीयर, ये अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, ये, या अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, या जो शैडो ऑफ द अर्थ है ये मून पे पड़ता है और तब एक्लिप्सिस जो ग्रहण है वो आता है. सो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आर्यभट्ट ने डिस्कवर नहीं की है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट एवरीवन? पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, या पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पे पड़ती है तो ग्रहण होता है. इसमें से एक ऐसी चीज है जो आर्यभट्ट ने डिस्कवर नहीं किया है. विच ऑफ द फॉलोइंग? एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट आंसर हियर इज सी. तो आर्यभट्ट ने क्या व्यू दिया था? उन्होंने टेक्निकली आपको अर्थ सेंट्रिक व्यू दिया था कि भाई मेजरली जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये सब क्वेश्चंस बहुत ईजी आते हैं पेपर में. तो जो गुप्ता पीरियड का जो एस्ट्रोनॉमिकल सेक्शन है उसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा अलॉन्ग विद द बुक लिस्ट. एब्सोल्युटली. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इजी सा क्वेश्चन है. पहली एपिग्राफिक एविडेंस सती की हमें किस इंस्क्रिप्शन में मिलती है? ईरान इंस्क्रिप्शन में ऑफ भानुगुप्ता, ये हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मिलती है रुद्रदमन की, या ये हमें मिलती है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की, या ये हमें मिलती है मधुबन इंस्क्रिप्शन ऑफ हर्षा? सो द फर्स्ट एपिग्राफिक अभिलेख्य एविडेंस सती का कहाँ मिलता है?
ओके एवरीबडी, दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन. चलिए तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इजी क्वेश्चन पे. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है. करेक्ट आंसर हियर इज ए ईरान पिलर. दिस आई थिंक एवरीबडी नोज, बहुत ही इजी सा कॉमन सा क्वेश्चन है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुरुंजी. तो टेक्निकली बुरुंजी का अर्थ क्या है? ये एक हिल ट्राइब है नेपाल की, या ये एक रिसेंटली डिस्कवर्ड न्योलिथिक साइट है जो हमें कश्मीर में मिला है, या ये जिनोलॉजिकल रिकॉर्ड है असम की, असम में जो वंश वाली रिकॉर्ड होगी वो है, या ये किसी मदर गॉडेस का नाम है जिसको उड़ीसा में वर्शिप किया जाता था, उड़ीसा में पूजित किसी मातृ देवियों का नाम है. सो व्हाट डज बुरुंजी मीन एवरीवन? ओके सो मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके करेक्ट आंसर हियर, बिल्कुल सही है. तो टर्म बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो टर्म बेस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान दीजिएगा. करेक्ट आंसर हियर इज सी, जिनोलॉजिकल रिकॉर्ड. तो 10 क्वेश्चन खत्म, 40 क्वेश्चन और बचे हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11. अब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग क्वेश्चन इन द पेपर. आप देखोगे कॉइन्स पे क्वेश्चंस और टाइटल्स पे क्वेश्चंस, गुप्ता पीरियड की क्रोनोलॉजी, ये तीन क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. तो इनमें से कौन से आपके ऐसे गुप्ता रूलर है जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था जिसमें गोल्ड परसेंटेज काफी कम है? हम बात कर रहे हैं स्कंद गुप्ता की, हम बात कर रहे हैं बुद्ध गुप्ता की, हम बात कर रहे हैं नरसिम्हा गुप्ता की, या हम बात कर रहे हैं विष्णु गुप्ता की? सो हु इज द गोल्ड कॉइन हु इशू हु इज द गुप्ता रूलर जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था विद लोएस्ट गोल्डन परसेंटेज. एट द सेम टाइम प्लीज रिमेंबर गुप्ता कॉइन्स में क्या क्या चीजें बनी हुई है, किस किस रूलर से रिलेटेड कौन सी कॉइन है, किसमें अश्वमेधा मेंशनड है, वीना से कौन रिलेटेड है. दीज आर मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑल द टाइम इन द पेपर एंड एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट आंसर सभी कह रहे हैं, इट्स डी विष्णुगुप्ता. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेडीज इन द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी. तो इनमें से कौन सी एक डायनेस्टी है जहां पे मोस्टली आप देखोगे महिलाएं जो है ये प्रशासन में बहुत ही बड़े भागीदारी वाली पोजिशन में है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग, हम बात कर रहे हैं चमना डायनेस्टी की, हम बात कर रहे हैं चंदेलास की, हम बात कर रहे हैं चालुक्यास की, या हम बात कर रहे हैं चोलास की? सो इसमें कौन से ऐसे आपके इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन में लेडीज जो है प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी दिखती है? ओके एब्सोल्युटली करेक्ट. मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी आप रॉयल लेडीज के बारे में बात करते हैं, बीट एंशियंट मिडिवल या मॉडर्न इंडिया में कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट, ये बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा. मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन सम वे और द अदर यू विल सी इट्स ऑलवेज कमिंग. इवन 2021 में देयर वाज अ क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आया था, बट आपको एक वुमेन कॉन्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आया था. सो करेक्ट आंसर हियर इज सी, चालुक्यास. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, द मैनुस्क्रिप्ट ऑफ धम्मपद रिटन इन खरोष्टी स्क्रिप्ट इज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. तो खरोष्टी लिपि में लिखित धम्मपद की जो पांडुलिपि है ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हमें मिला है तुरफान से, ये हमें मिला है काशकर से, ये हमें मिला है कुची से, या ये हमें मिला है खुतान से? सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एवरीवन, हियर वी गो. ओके एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट आंसर हियर इज डी, खोतान. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द सुल्तान हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग ऑन द तंका द नेम ऑफ द मिंट टाउन. तो इनमें से कौन से सुल्तान है जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर का नाम उत्तीर्ण करना शुरू कर दिया था? ये प्रथा किसने स्टार्ट की थी ऑफ पुटिंग ऑन द तंका द नेम ऑफ द मिंट टाउन, जहां पे टेक्निकली आपके कॉइन्स मिंट हो रहे हैं? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, ये इल्तुतमिश ने शुरू किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, या ये मोहम्मद तुगलक ने शुरू किया था? Which of the following here is absolutely correct? Everyone identify the Sultan. अब ये सब questions बहुत ही important. जब भी आप medieval करते हैं तो ये सब questions बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए. किसने कौन से festivals शुरू किए, किसने कौन से festivals खत्म किए, किसने कौन से administrative measures लाए हैं? Very commonly asked question in the examination and absolutely correct. Correct answer हमारा B है, इल्तुतमिश. Moving to question number 15. The Sultan himself used to take personal interest in the development of agriculture. He abolished the zakat on grain, introduced a measurement standard which continued to prevail till the Mughal period. Who is the Sultan? टेक्निकली विच कंटिन्यू टिल द मुगल पीरियड से आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा हिंट लग जाना चाहिए था. तो हम कौन से सुल्तान की बात कर रहे हैं जिन्होंने पहले तो एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, उन्होंने अनाज पर जो ज़कात था उसको भी खत्म कर दिया था, एंड एट द सेम टाइम उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट शुरू कर दिया था जो मुगल टाइम पीरियड तक चला था? तो हु आर वी टॉकिंग अबाउट एवरीवन, एंड हियर वी गो. एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हियर इज
डी, सबने ही डी बोला एंड एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी। तो आई थिंक 15 में 15 सबके सही हो चुके हैं। तो दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं तो यू शुड बी प्राउड। जो लोगों ने लर्न कर रखा है स्टिल ओके, इफ यू नो व्हाई इज दैट द आंसर एब्सोल्युटली फाइन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली एक तो दे हेल्प यू इन एनालाइजिंग द ट्रेंड्स एंड एवरीथिंग, प्लस समटाइम्स रिपीट भी हो जाते हैं, तो रिपीट हो गया तो और फायदा है। ओके सो क्वेश्चन नंबर 16, अमृत कुंड ये डील करता है बहुत सारे एक्सरसाइजेस एंड प्रैक्टिसेस फॉर हेल्थ से लेके। ये ट्रांसलेट हुआ था पर्शियन में, इनमें से कौन सी ऐसी टाइटल है जिसके अंदर ये ट्रांसलेट हुआ था? सो खवाने पुर्नमत, ये बेसिकली हाउस हलात, नूसिफिर और बेसिकली हष्ट बिहिष्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पहले तो ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी आपको जनरली आ सकता है, दे विल आस्क यू द नेम विच डील्स विद डिफरेंट एक्सरसाइजेस एंड प्रैक्टिसेस फॉर हेल्थ और किस भाषा में ट्रांसलेट हुआ था। तो तीन तरीके से क्वेश्चंस यहां से मोस्टली फ्रेम हो सकते हैं। ओके सो एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट आंसर हियर इज बी विच इज हौज़े हलात। आई थिंक एवरीबडी इज ऑन फायर, वेरी गुड। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, ये एक थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है जहां पे टेक्निकली आपकी बेसिक्स जो है वो चेक होगा कि आपको कितनी क्लैरिटी। हम यूजुअली एक्सपेंशन पढ़ते हैं कि भाई बहुत सारी जगह पे एक्सपेंशन हो रही, क्यों हो रही, मैट्रिमोनियल अलायंसेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। सो वन ऑफ दिस क्वेश्चन, मुगल एम्परर वॉन्टेड टू कंट्रोल नोमैडिक पास्टोरल ट्राइब्स ऑफ सिंध बिकॉज, मुगल शासक सिंध के टेक्निकली जो पशुपालक जनजातियां थी उनको नियंत्रण में करना चाहते थे, क्योंकि दे वॉन्टेड टू पोलिटिसाइज देम टू इस्लाम, उनको इस्लाम में दीक्षित करना चाहते थे, या ये उनको सूरवर्दी सूफी सिलसिला के अंदर लाना चाहते थे, या दे वॉन्टेड टू मेक देम सेडेंटरी टू एनहांस देयर इनकम, या दे वॉन्टेड टू अक्वायर देयर ह्यूज लाइफ स्टॉक फॉर देयर यूज। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है? इसमें जब भी आप मेजर एक्सपेंशन की बात करेंगे थोड़ा आप बीच का थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट याद रखिएगा। ओके सो एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट आंसर हियर इज सी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मालवा सुल्तान्स हैव कंस्ट्रक्टेड अ ग्रैंड दारुल शिफा इन मांडू। सो बेसिकली दारुल शिफा अस्पताल जो है इसका निर्माण जो है मांडू में ये किस मालवा सुल्तान ने किया था? उनका नाम हुशंग शाह है, उनका नाम घिया शाह है, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद खिलजी द फर्स्ट की, या हम बात कर रहे हैं मोहम्मद खिलजी द सेकेंड की? सो हु इज द मालवा सुल्तान हु कंस्ट्रक्टेड अ ग्रैंड दारुल शिफा अस्पताल, किसने निर्माण किया था? यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रिपीट। कभी कभी आप देखोगे जो ऑप्शंस आपको मिले इट्स एग्जैक्टली द सेम जो आपको किसी ना किसी साल में आ चुका है। तभी मैं आपको बोलती हूँ जो हिस्टोरियोग्राफी है, जो जनरली कुछ बुक लिस्ट है जो बहुत साल से आ चुके हैं, आप उनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इफ नॉट डायरेक्ट मे बी दैट सेम ऑप्शन कैन बी देयर इन द पेपर, एंड हुआ है कई बार रिपीट हुए हैं। तो इससे प्रीवियस ईयर से आपको एक और ये भी फायदा, इनकेस इट कम्स तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। बट एट द सेम टाइम ये सब थोड़ा क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, सो दैट इफ यू थिंक ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इफ यू नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर फ्रेम, यू विल स्टडी लाइक दैट। तो एक ओरिएंटेशन की जरूरत है जो प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा, कि आप ब्लाइंडली किसी टॉपिक को ना पढ़े, यू एग्जैक्टली नो कि व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच हैव कम। सो करेक्ट आंसर हियर इज सी, महमूद खलजी द फर्स्ट, एवरीबॉडी इज ऑन फायर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राजा सुल्तान पोएट वाज एंटाइटल्ड गंधर्व ऑन हिज अकाउंट ऑफ जीनियस इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। तो संगीत के क्षेत्र में अपने महारत के लिए इनमें से कौन से राजा सुल्तान कविराज को गंधर्व की उपाधि से संबोधित किया गया था? सो हम बात कर रहे हैं सुल्तान सिकंदर लोदी की, हम बात कर रहे हैं हुसैन शर्की की, हम बात कर रहे हैं राजा मानसिंह ऑफ ग्वालियर की, या हम बात कर रहे हैं अमीर खुसरो की? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट एवरीवन, हियर वी गो। ओके एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट आंसर मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर बी है, सुल्तान हुसैन शर्की। अब देखिए ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस है, तो जब भी आप मिडिवल इंडिया पढ़ते हैं थोड़ा शिप बिल्डिंग हो गया, थोड़ा म्यूजिक हो गया, ठीक है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ये सब चीजों पर थोड़ा देखिएगा। आजकल थोड़ा कल्चरल क्वेश्चन मिडिवल इंडिया से आप देखोगे आते हैं, इधर थ्योरी के फॉर्म में और फैक्ट में फॉर्म में, तो थोड़ा कल्चरल चीजों पर फोकस करिएगा ज्यादा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, हु ड्रू द अटेंशन ऑफ बाबर टू द फैक्ट that during Sikandar's Lodi regime, the Hindus took to learning Persian and were recruited in large numbers to different posts. So, Baba ka dhyan is tatty ki aur kisne aakarshit kiya tha ki Sikandar Lodi ke kaal mein Hinduon ne Farsi sikha aur unhone badi badi sankhyao mein women padko par, technically padu par inki niyukti ki thi. To kisne bola hai ye? Hum baat kar rahe hain Maulana Abdullah Ajudhani ki, hum baat kar rahe hain Sheikh Abdullah ki, hum baat kar rahe hain Sheikh Ajidullah ki, ya hum baat kar rahe hain Sheikh अब्दुल कुद्दूस गंगोही की? सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सो अगेन व्हेन यू डू मिडिवल इंडिया ये सब क्वेश्चंस याद रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ट्राई टू लुक फॉर सच इंफॉर्मेशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट एवरीवन, एंड हियर वी गो।
सभी आज एकदम ऑन फायर है, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हियर इज डी, शेख अब्दुल गुद्दुस गंगोही। अब ये याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस करिएगा। तो 20 क्वेश्चंस डाउन एंड वी हैव मोर 30 क्वेश्चंस। तो वेरी इजी सा क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति सेन। इनमें से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति सेन नहीं है? हम बात कर रहे हैं मुल्ला दाऊद की, हम बात कर रहे हैं कुप्तान की, हम बात कर रहे हैं मझन की, या हम बात कर रहे हैं मुलुक दास की? ओके, एवरीबॉडी इज सुपर एक्साइटेड, परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हियर इज डी, मालुक दास। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द बायोग्राफी ऑफ सूफीज ऑफ इंडिया, द ऑथर प्रेजेंटेड इट टू जहांगीर। तो इनमें से कौन सी ऐसी बायोग्राफी है जिसमें सारे सूफीज ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन है और ये ऑथर ने इसको जहांगीर को प्रेजेंट किया था? तो हम बात कर रहे हैं मसीर उल उमरा की, हम बात कर रहे हैं तस्कीरत उल उमरा की, हम बात कर रहे हैं अकबर उल अखियार की, या हम बात कर रहे हैं जखीरात उल खवानून की? ओके, सो आई थिंक एवरीबडी एवरीबडी इज ऑन फायर टूडे, एवरीबडी इज सुपर एक्साइटेड। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही होता है। ओके, सो आई विल सी द एक्साइटमेंट ऑन 11 AM मंडे को, जहां पे हम प्री हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। तो इसी एक्साइटमेंट के साथ प्री हिस्ट्री को रिवाइज करके आएगा और 11 बजे मुझे ऐप सेशन पे मिलेगा। एंड प्लीज रिमेंबर एवरीबडी, अब ऐप सेशंस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को होने लगे, पहले मंडे नहीं होता था, इस वीक से मंडे को भी आई एम गोइंग टू टेक द सेशन एट 11 AM, सो डोंट फॉरगेट इट, ठीक है? चलिए, सो एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट आंसर हियर इज सी एंड एवरीबडी इज ऑन फायर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23, The illustrated copy of Shahnama of the late 16th century Mughal school was prepared at the library of which of the following prince and nobles? Again, ये बहुत ही same type of question है जो आप देखोगे कई बार repeat होता है। तो ये जो illustrated copy of Shahnama है, ये एक पुस्तकालय में मिली थी, and ये किसका था, कहाँ पे prepared हुआ था? ये prince Murad का था, ये prince Khurram का था, और this was of Khwaja Abdul Majid Asaf Khan, या हम बात कर रहे हैं Abdul Rahim Khan Khan? ओके, परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही है। दीपिका, आई विल ट्राई टू कीप नॉट इजी क्वेश्चंस, ओके, सो दैट यू गाइस कैन सॉल्व समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा डी है, एंड आई थिंक एवरीबडी हियर इज करेक्ट। अगेन, ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा, बिकॉज इफ यू आर सीइंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मोस्टली कमिंग फ्रॉम मिडिवल इंडिया, जिसमें कंफ्यूजन होता है। Moving to question number 24, the earliest mention of the use of belt drive for powering gem cutting stones coming from the following travelers account. So again, travelers, अगर आप notice करोगे तो travelers के बारे में आपको बहुत सारी चीजें आ चुकी है। एक तो sometimes you get a simple match the following कि वो कहां से belong करते हैं। There have been theoretical also questions on travelers, तो आपको travelers के theoretical question भी करने हैं, किसने क्या बोला है। ज्यादा आपको कथा कहानी learn नहीं करनी, but just keywords, maybe 10-12 keywords जो इस traveler ने आपको information दिया है, direct प्लस इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में आपको ये मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो इस पेपर में 2 क्वेश्चन ट्रैवलर से अभी तक आप देख चुके हैं, सो मेक श्योर यू डू ऑल दीज थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली। सो हम बात कर रहे हैं पीटर मुंडी की, हम बात कर रहे हैं बर्नियर मनुकी की, हम बात कर रहे हैं ट्रेविनियर एंड फ्रेयर की, हम बात कर रहे हैं मासस स्ट्रॉम एंड जॉर्ज रॉकस की। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट, ये तो सब पढ़ चुके हैं। ओके, ट्रेविनियर एंड फ्रेयर, एब्सोल्युटली करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25, Which of the following is the earliest known account of medieval bhaktas to be found in a single work? तो इनमें से कौन सी ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले मध्यकालीन भक्तों का विवरण एक जगह पे मिलता है? हम बात कर रहे हैं भक्तमाल की, हम बात कर रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैष्णव भास्कर की, हम बात कर रहे हैं 84 वैष्णवों की व्रता की, या हम बात कर रहे हैं 252 वैष्णवों की व्रता? So which of the following here is correct? ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक फायदा है कि आधे लोग इसको लर्न कर चुके हैं। ओके, सो वेरी गुड, करेक्ट आंसर हियर इज डी, भक्तमाल। सो 25 क्वेश्चंस डन, मोर 25 क्वेश्चंस टुडे, 50 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26, विथ रिगार्ड टू तमिल सिद्धास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? Trimular is the greatest Tamil Siddha. The Tamil Siddhism shows features of anti-Brahmanism and anti-ritualism. Again, very important. Tamil Siddho ne Shiv Tatha Tamil, jo aapke DT hai, jinka naam tha Murukan, is pe focus kiya tha. And the chief centers the inke, ye basically the Tondu Nadu and Pandu Nadu. So which of the following statements is not correct? Again, is type ke theoretical questions aapko thoda
ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन द पेपर लेटली. एंड ये सब क्वेश्चंस में एक चीज इजी होता है कि कोड्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि वन एंड टू है, टू एंड थ्री है, इट्स नॉट दिस. तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है, यू हैव रेड इट, बट अगर आपको पता है क्या सही है क्या नहीं सही, तो यहाँ पे आप इजिली आंसर्स तक पहुंच सकते हैं. ओके, एंड एवरीबडी इज सुपर हैप्पी. बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हियर इज डी, विच इज नॉट द करेक्ट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27. 1914 में थ्री क्वार्टर ऑफ इंडियन इन्फेंट्री जो है ये किस रीजन से आई थी? तो ये आई थी बंगाल बिहार अवध से, ये आई थी मद्रास बॉम्बे बंगाल से, ये आई थी पंजाब नेपाल उत्तर पश्चिमी सीमांत से, या ये आई थी पंजाब सिंसन राजपूताना से. बाय 1914 थ्री क्वार्टर्स ऑफ इंडियन इन्फेंट्री केम फ्रॉम. ओके, वेरी गुड, एवरीबडी हियर इज करेक्ट. परफेक्ट 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 परफेक्ट, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर यह इसी. आप देखो यूजुअली इसको आप स्किप कर देते हैं, जब भी आप पढ़ते हो ब्रिटिशर्स आते हैं एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कैसे चीजें चेंज होते हैं, वी ऑलवेज कंपेयर द थिंग्स. बट यूजुअली क्या होता है, एक्सक्यूज मी, इसमें क्या होता है कि आप ये सब स्किप कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगा. सो वेन एवर यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स प्लीज बी लिटिल केयरफुल. ओके, क्वेश्चन नंबर 28. व्हेन वाज द इनफेमस सेक्शन 124A रिलेटेड टू सेडिशन इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन पीनल कोड बाय एन एक्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले तो ये सब क्वेश्चंस में तीन चीज याद रखनी, एक तो ईयर, दूसरा ये एक्ट का नाम, तीसरा ये एक्ट किससे रिलेटेड है. चाहे स्लेवरी देखो, आप देखो कि लेजिस्लेशंस पे आपको हमेशा क्वेश्चंस आते हैं. सो बी इट लेजिस्लेशंस ऑन सती, लेजिस्लेशन ऑन स्लेवरी, ठीक है, ये सब बहुत ही कॉमन, आपकी विडो रीमैरिज हो गया, इन्फेंटिसाइड हो गया, तो ये सब पे थोड़ा ये देख लीजिएगा, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में या तो आपको इन पे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, या तो ईयर बेस्ड क्वेश्चंस, या तो एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, एक्ट नंबर क्या है, तो ये सब थोड़ा देख लीजिएगा. ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन सही है, सभी सही है. 1870. क्वेश्चन नंबर 29. इन 1850 ऑन द ईव ऑफ राइज ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कम्युनिटी एंगेज इन ट्रेड ऑफ द टू प्रिंसिपल एक्सपोर्टेबल गुड्स फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट, कॉटन एंड ओपियम? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसमें आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं इस टाइम पीरियड का, तो कौन कौन से कम्युनिटीज हैं जो इस टाइम पे जोर शोर से ट्रेड में लगे थे. तो ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म वाला हमारा जो पार्ट है, ये सबको आप बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा. तो 1815 में जब लार्ज लैंड स्केल इंडस्ट्रीज राइज हो रहे थे, तो दो मोस्ट प्रोमिनेंट, कॉटन एंड ओपियम, जो है कौन सी ऐसी कम्युनिटी थी जो इन ट्रेड में, इन दोनों चीजों के ट्रेड में जोर शोर से लगी हुई थी एंड बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट थी, बहुत ही ज्यादा प्रमुख थी? सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हियर इज सी, एंड आई थिंक एवरीबडी हियर इज ओके, एवरीबडी इज इन दिस वेरी जॉवियल मूड. सो आई होप यू आर स्टडिंग एज वेल, क्योंकि अप्रैल का महीना जो है वो शुरू हो गया है. ओके, सो 30 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 30. Which of the following was not associated with Lahore Resolution adopted by Muslim League on 23rd March 1940? इनमें से 23rd March 1940 में Muslim League द्वारा लाहौर प्रस्ताव में कौन नहीं जुड़ा था? अब not को अच्छे से पढ़ लीजिएगा. So we have Khizr Hayat Khan, we have Sikandar Hayat Khan, we have Fazlul Huq, and then we have Khali Khwazam. So which of the following is not associated with Lahore Resolution जो adopt हुआ था by Muslim League on 23rd March 1940? ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर मॉडर्न इंडिया एवरीबडी इज खिज्र हयात खान. तो थोड़ा मॉडर्न इंडिया आप शुरू करिए एंड ये सब फैक्ट्स जो है ये सब करिएगा. वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल दीज क्वेश्चंस इन डिटेल एप सेशंस में भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस के साथ, बट ये सब ट्रेंड जरूर याद रखिएगा पढ़ते समय. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31. विच वन ऑफ द रिफॉर्मिस्ट मुस्लिम लीडर पब्लिश्ड अ मॉडर्निस्ट उर्दू जर्नल तहजीब अल अखलक? तो कौन से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सुधारवाद मुस्लिम नेता थे जिन्होंने एक उर्दू पत्रिका तहजीब अल हक को प्रकाशित किया था? तो हम बात कर रहे हैं जमाल दिनाल अफगानी की, हम बात कर रहे हैं सैयद अहमद खान की, हम बात कर रहे हैं हुसैन अल मुल्क की, या हम बात कर रहे हैं मोहम्मद इस्माइल यूसुफ की? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट?
चलो इसी बहाने यू आर सॉल्विंग 50 क्वेश्चंस एट वन गो इन द सेशन. तो वो लोग जो घर में दो क्वेश्चन सॉल्व करके सोचते हैं सारे क्वेश्चंस तो आते ही हैं, आ ही जाएगा, हो ही जाएगा. प्लीज प्लीज सॉल्व क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि देख के हमें लगता है सब कुछ ही इजी है, बट इट्स ओनली व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चंस यू रियलाइज कि भाई ये गड़बड़े हो रही है. तो प्लीज डोंट रिपीट दैट. और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, कॉन्फिडेंस सुपर हाई होना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा पीछे. प्लीज सॉल्व क्वेश्चंस एवरी डे, 10-15 क्वेश्चन हर दिन आप फिक्स कर लीजिए कि आप करेंगे ही करेंगे. करेक्ट आंसर हियर इज बी एंड आई थिंक एवरीबडी हियर इज करेक्ट. ओके मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32. हु एस्टैब्लिश्ड ऑन जनवरी 15 1876 द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस इन कैलकटा. अब इस क्वेश्चन में पहले तो आपको ये ईयर्स आ जाएंगे, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कौन इससे एसोसिएटेड है और एसोसिएशन का नाम. तीन तरह के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं. सो जेसी बोस की हम बात कर रहे हैं, पीसी रे की बात कर रहे हैं, हम सीवी रमन की बात कर रहे हैं और हम डी महेंद्र लाल सरकार की बात कर रहे हैं. ओके 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 एब्सोल्युटली करेक्ट. हाँ सचिन, तो आज 80 क्वेश्चंस हो गए, 20 आपने आपने सॉल्व किया था, 50, 80 क्वेश्चंस. तो फिर तो मजे है ना, फिर आप बैठ के घर में आप खाली थ्योरी चीजें पढ़िए, क्वेश्चंस आपका हो गया 80. इज टू मच क्वेश्चन यू हैव सॉल्व टुडे. परफेक्ट, करेक्ट आंसर हियर इज डी महेंद्र लाल सरकार. तो टेक्निकली हर दिन आपका यही होगा. ओके क्वेश्चन नंबर 33. हु समड अप द मोटिव बिहाइंड पार्टीशन ऑफ बंगाल. बंगाल यूनाइटेड इज पावर एंड बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन सेवरल वेज. ये किसने बोला था, ये सीइंग द बंगाल बिकमिंग द नर्व सेंटर ऑफ नेशनलिज्म, किसने बोला था कि जब तक बंगाल यूनाइटेड रहेगा वो एक शक्ति की तरह रहेगा, जैसे ही विभाजित होगा ये अलग अलग दिशाओं में जाएगा. सो दिस इज सेड बाय लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मॉर्ले, ये बोल रहे हैं अलेक्जेंडर मैकिन्जी या एच रिजले. विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट. ओके बबलू, यू जस्ट शेयर योर नंबर इन द चैट. मतलब यस मिनी जनरली आई विल मेक श्योर दैट दिस आई विल ट्रांसफर द मैसेज टू द पीपल कंसर्न. ओके यू विल गेट अ कॉल, डोंट वरी. हाँ तो ठीक है, तो डेली आप 20 सॉल्व करिए एंड उसके बाद इधर यूट्यूब में करिए. सो एवरी डे यू आर अप्रोक्सीमेटली डूइंग 40 क्वेश्चन विच इज मोर देन इनफ. और अब प्रॉपरली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आज आपकी शुरू हो ही चुकी है. सो एंशियंट मिडिवल के टॉपिक्स आप ऐसे ही कवर कर लोगे एंड प्लस जो थोड़े बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक्स होंगे वो हम किसी ना किसी सेशन में जनरली खत्म कर लेंगे. सो करेक्ट आंसर हियर इज डी एच रिजले, वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34. हु अमंग द फॉलोइंग वाज लीडिंग द डिफेंस इन द ट्रायल अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ आईएनए. आईएनए पे भी क्वेश्चंस काफी बार आता है, तो इनमें से कौन है जो बेसिकली डिफेंस को लीड कर रहे थे इस टाइम पीरियड में. वी हैव भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल. समटाइम्स देयर इज अ क्वेश्चन कि इनका सपोर्ट कौन कर रहा था. तो आईएनए ट्रायल्स इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट बिकॉज सडनली दैट स्पार्क इज ब्रॉट आउट बाय आईएनए. तो आईएनए ट्रायल्स जो भी हो रहे थे, तो आईएनए क्या है, आईएनए ट्रायल्स क्या, अगेन इंपॉर्टेंट ईयर्स, ये याद रखिएगा. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट एवरीवन एंड हियर वी गो. यस बबलू, डोंट वरी, आई विल फॉरवर्ड दिस मैसेज, यू विल गेट अ कॉल. ठीक है, परफेक्ट. एवरीबडी हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट आंसर हियर विच इज भूलाभाई देसाई. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 35. अगेन जब हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट करते हैं, थ्योरी प्लस फैक्ट पे हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अब आपको ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल ऑफ आर्य समाज. तो टेक्निकली ये आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे रिगार्डिंग द गोल्स एंड एम्स. तो इनमें से आर्य समाज का कौन सा आदर्श नहीं था. बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ शास्त्री क्लास, फादरहुड ऑफ गॉड, ब्रदरहुड ऑफ मैन, शुद्धि मूवमेंट या इक्वालिटी बिटवीन जेंडर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट. एंड अगेन ये क्वेश्चन इजी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोड्स नहीं है. तो आपको ये आप कोड्स में अगर आप फर्स्ट जाओगे 1 एंड 2, 3 एंड 4, तो इस टाइप के कोड्स नहीं है. यू सिंपली हैव टू नो वन ऑप्शन जो आपको लगता है कि सही नहीं है. Absolutely correct. Correct answer here is A. Believe in the authority of Shastri class and everybody is super, super excited. Okay, question number 36. All India Women Conference was formed कब? ये question बहुत बार paper में अलग अलग तरीके से repeat हुआ है. All India Women Congress कब form हुआ था? 1927, 1929, 1931 या 1933? सो विच ऑफ द फॉलोइंग. अब आपको कभी कभी कॉन्फ्रेंसेस के साथ नाम आ जाएंगे, अगेन पीपल हु वर द फाउंडर एंड वो लोग जो इनके साथ एसोसिएटेड थे. तो दूसरा एक ये क्वेश्चन बन सकता है, तो जस्ट सी दैट. उसके अलावा एम, कि जो भी सेशंस हो रहे हैं, जो भी कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, क्यों आए थे, व्हाट इज द एम, जस्ट इन वन लाइन. ज्यादा कथा कहानी नहीं, जस्ट की वर्ड्स, दैट्स ऑल. सो दैट वो एक एग्जामिनेशन में आपको एक लाइन आएगा जब आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन. एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट आंसर हियर इज ए 1927. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 37. व्हेन डिड द फ्रेंच फाइनली हैंडेड ओवर इंडियन टेरिटरीज टू इंडिया. तो बेसिकली फ्रांसियों ने इन भारतीय क्षेत्र को फाइनली भारत को कब सौंपा था.
1947, 1950, 1954 या 1959। अब अगेन इसमें दो चीज याद रखिएगा, जब भी आप ब्रिटिश एक्सपेंशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी प्लीज मेक श्योर यू आर लुकिंग एट द ईयर्स, ओके, डिफरेंट फैक्ट्रीज, कौन सी फैक्ट्री किस साल में आई थी, अगेन लोकेशन ऑफ दीज फैक्ट्रीज, कौन सी ईस्ट में है, कौन सी वेस्ट में, अगेन किसका हेडक्वार्टर्स क्या है। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इन द पेपर। कई बार आप देखोगे सिंपल क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस यहां से निकलते हैं, और यू विल गेट कि इनमें से फ्रेंच फैक्ट्री कौन थी, डच फैक्ट्री कौन थी, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। सो डू दिस रियली रियली वेल। एट द सेम टाइम जब एक्सपेंशन करते हैं तो जो एंग्लो मराठा हो गया, एंग्लो मैसूर हो गया, कार्नेटिक वॉर्स हो गए, इनके भी ट्रीटीज, इनका ईयर, एंड जस्ट इन वन लाइन की कौन किसके बीच में लड़ रहा था, बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहां से निकलते हैं। सो ये सब पार्ट को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। एवरीबडी इज ऑन फायर। ओके, करेक्ट आंसर यार इज सी, एंड सभी लोग सही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। दी महाराजा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ओनली आफ्टर लास्ट मिनट थियोरेटिकल शो ऑफ डिफेंडेंस। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है। जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं तो वी सी की कैसे जो प्रिंसली स्टेट्स है उसको इंडिया में इंटीग्रेट किया गया था, कैसे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग तरीका इस्तेमाल हुआ था। तो ये किस किसकी बात कर रहे हैं, इनसे कौन से राज्य के महाराज ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद फाइनली पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हैदराबाद, भोपाल, जैसलमेर और जोधपुर। सचिन एक्चुअली पता है क्या होता है, जो पेपर नहीं देते हैं वो हमेशा ही सिंपल लगता है, ओके, बट अगर आप यही 2020 का पेपर देते हो तो यू वुड हैव फाउंड दिस लाइक दैट। तो वो एक एक साइकोलॉजी भी है कि जो पेपर हमने नहीं दिया है वो हमें लगेगा यार ये पेपर तो बहुत ईजी आया था, हम इसको दे के निकाल सकते थे। तो दैट इज साइकोलॉजी ऑल्सो। बट येस, कंपेरेटिवली द क्वेश्चन हियर आर टू द पॉइंट, और ऐसा भी नहीं कि बहुत वेग है, सिंपल टू द पॉइंट क्वेश्चन है। तो येस, इट इज एक्चुअली इजियर कंपेयर टू जो अभी का पेपर हमारा आया है। So correct answer here is D, absolutely correct. Moving to question number 39. In 1936, which of the following created an anti-imperialist people's front within the Congress? 1936 में इनमें से कौन समाजवाद विद्रोही जन मोर्चा कांग्रेस के अंतर्गत गठित किया था? हम बात कर रहे हैं आरपी दत्त एंड ब्रेंट ब्रेडली की, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, हम बात कर रहे हैं सिक्स्थ कॉमिंटर्न कांग्रेस की, हम बात कर रहे हैं फिलिप स्प्रैट की। So 1936 में which of the following created anti-imperialist people's front? अब अगेन देखो, एक चीज याद रखना, जब हम मूवमेंट कर रहे हैं, जब आप स्वदेशी मूवमेंट करोगे, नॉन कोऑपरेशन करेंगे, खुद इंडिया कर रहे हैं, आप सिविल डिसोबीडियंस कर रहे हैं, देर विल बी लॉट ऑफ पार्टीज नेम, बिकॉज बहुत सारे लोग आप देखोगे इस टाइम पीरियड में सेपरेट हो जाते हैं, इफ दे डोंट लाइक समथिंग एंड दे फॉर्म देयर ओन पार्टी। ऐसे में ये सारे पार्टीज का लिस्ट बना लीजिएगा, इनके ईयर एंड अगेन द पीपल जो इनके साथ एसोसिएटेड है। तो टेक्निकली जब आप कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं ना कि किस पर्सनैलिटी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें पार्टीज जो उस मूवमेंट के टाइम पे फॉर्म हुई थी कितने कितने लोग एसोसिएटेड थे ये जरूर देख लीजिएगा। कौन सी पार्टी कांग्रेस के विदिन रह के फंक्शन कर रही थी, कौन सी कांग्रेस के बाहर रह के फंक्शन कर रही थी, विच एसोसिएशंस, इसका भी लिस्ट अच्छे से देख लीजिएगा कि कंफ्यूजन ना, बिकॉज सम यू विल सी सम एसोसिएशन स्टेड विद इन द कांग्रेस की भाई कांग्रेस का स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, सम स्टेड आउटसाइडेड। तो ये सब जब पढ़ते हैं ना थोड़ा केयरफुल रहिएगा। करेक्ट आंसर हियर इज ए, बिल्कुल सही है। आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 40। According to Calcutta and Howrah Smoke Nuisances Act, the emission of jute mills were made subject to regulation. In which year this act was passed by Bengal Council? So, अगर आप नोटिस करोगे तो आपको ईयर बेस्ड क्वेश्चन काफी आए हैं। दैट इज दट वाई आई टेल यू, व्हेनेवर यू डू मॉडर्न डे आप ईयर्स अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे वन वन लाइनर सिंपल ईयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो मॉडर्न इंडिया में थोड़ा ईयर्स देख लीजिएगा, एंड इसको याद करने के लिए आप कुछ भी है, आप ऐसे बेसिकली कोई फिश बोन डायग्राम बना लो याद करने के लिए, इधर ईयर्स लिख दो, ठीक है, और जस्ट मेक अ प्रॉपर टाइम लाइन चार्ट किसी भी तरीके से एक पेपर में, यू कैन ऑलवेज मेक इट फॉर योर सेल्फ। अगर आप बार बार भूल जाते हैं ईयर्स एंड हमेशा उसको 5 मिनट सोने के पहले या जनरली आप ब्रेक ले रहे हो तो just go through it, just look at it, ऐसे भी pictorial memory आपको ज़्यादा अच्छे से retain रहेगी, so keep all these dates with you. Okay, so correct answer here is C, and I think everybody here is absolutely correct. Okay, everyone, so the last 10 questions for the session. अब आ जाओ ancient India Neolithic. Which of the following are found in the Neolithic cultures of India? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें Neolithic time period पे मिलती है? Ground and polished tools, plow, bullock cart, या domesticated barley and field pea. So which of the following here is correct? ग्राउंड पॉलिश पत्थर हो गया, आपके हल हो गया, बैलगाड़ी हो गया, और खेत से उपजाए गए जौ और मटर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज प्रॉपर नियोलिथिक के एविडेंसेस? ओके
आप इसमें वैसे एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, बट वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है. ओके, सो एलिमिनेशन की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हियर इज सी, एंड आई थिंक एवरीबडी हियर इज करेक्ट. सो इवन इफ यू नो कि भाई ए तो होगा ही होगा, तो ऑटोमेटिकली यू विल डिलीट अदर ऑप्शंस एज वेल. तो एक सिंपल से स्टेटमेंट से भी दो क्वेश्चंस आपके स्ट्रेट अवे एलिमिनेट हो जाते हैं. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 42, एवरीबॉडी मेगालिथिक कल्चर्स, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं. मैंने आपको बोला मेगालिथ के टर्म्स हो गए, सोसाइटीज हो गए, ये सबको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा. तो मेगालिथ कल्चर्स के बारे में, इनमें से कौन सी चीज है जिससे एसोसिएटेड है? आयरन टूल्स, हॉर्सेस, जॉर्वी वेयर, सार्कोफेगी या डॉलमेंस? तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मेगालिथिक कल्चर के साथ एसोसिएटेड है जब हम इनकी बात करते हैं? सो लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े, जॉर्वी, देन वी हैव सार्कोफेगी और वी हैव डॉलमेन. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट जब हम मेगालिथिक कल्चर की बात करते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड? ओके, यू कैन एलिमिनेट इट बाय एनीथिंग एज लॉन्ग एज यू आर कमिंग टू द राइट आंसर, डजंट मैटर. अब अगेन मेगालिथ की एवरीबडी थोड़ा टर्म्स कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में इनके टर्म्स पे आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ चुके हैं. ठीक है, तो टर्म्स पे थोड़ा देख लीजिएगा किसको क्या बोलते हैं. ठीक है, सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई मेजर चीजों को, ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कौन सी पिट अंदर है, कौन सी बाहर है, जो मिडिल में पिट है उसको क्या बोलते हैं, व्हाट आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स, मेगालिथ किससे एसोसिएटेड होते हैं, दीज सम. एंड सम इनका जब हम बात करते हैं तो सोसाइटियल रेफरेंस ऑल्सो, कि ये चीजें आपको जनरली उस टाइम की सोसाइटी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देती है. सो डू दिस रियली रियली वेल. करेक्ट आंसर हियर इज सी, वेरी गुड. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव यील्डेड सेपरेट रॉक रिडिक्स ऑफ अशोका? इनमें से कौन सी साइट है जिसमें अशोका के सेपरेट रॉक रिडिक्स हमें मिले हैं? धावली से, जोगाड़ा से, सनाती से और उदगांव से? सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? सो धावली, जोगाड़, सनाती एंड उदयगोलम. सो इनमें से कहां पे अशोका के जो स्पेसिफिक एडिक्स है ये हमें कहां से मिले हैं? अगेन विच ब्रिंग्स यू टू मौर्यन आर्किटेक्चर. देखिए जब मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे तो मौर्यन आर्किटेक्चर का जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा. सेम आपके जो बुद्धिस्ट सिंबल्स हो गए, बुद्धिस्ट सिंबल्स का क्या मतलब है, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, किस पिलर में इंस्क्रिप्शन है, किस पिलर में इंस्क्रिप्शन नहीं है, एट द सेम टाइम आर्किमिडियन पिलर्स के साथ क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है. ठीक है, एट द सेम टाइम प्लीज रिमेंबर द सिंबल्स, किस पिलर में कौन से आपके इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं. दीज आर सम ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑलवेज कमिंग इन द पेपर. सेम अगर यहाँ पे स्कल्पचर्स है तो जनरली क्या हमें स्कल्पचर्स मिला है. सो दीज थिंग्स यू शुड हैव अ वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर नॉलेज. और अगर हम स्तूपास की बात करते हैं तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट आर द एविडेंसेस, कहाँ पे एक्सकवेशंस हुए, कहाँ पे लेटेस्ट एक्सकवेशंस हुए. बिकॉज आप देखोगे ये जो मौर्यन साइट्स हैं यहाँ पे लेटली बहुत सारे भी एक्सकवेशंस हुए, जहाँ पे आप देखोगे आपको बड़ी सी एक व्हील रिम मिलती है. तो किस हिस्टोरियन ने रिसेंटली एक्सकवेट किया, एक्सकवेटर का नाम क्या है, कौन सा ईयर, एंड लेटली क्या क्या मिला है, क्योंकि समटाइम्स यू कैन गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, है ना. तो मौर्यन आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा. मौर्यज एंड गुप्ता पीरियड से हमेशा आपके क्वेश्चन स्ट्रेट अवे पेपर में निकल जाते हैं. सो दीज टू को बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा. And most of you are absolutely correct. Correct answer here is C. Moving to question number 44. Salient features of Mahayan Buddhism. Again, very easy question. आप इसमें सीधा elimination भी use कर सकते हैं. Generally भी आपको ये पता ही होगा. तो महायान बुद्धिज्म के सिंपल सेलियंट फीचर्स क्या है? वर्शिप ऑफ बुद्धा इमेज, असिमिलेशन ऑफ लोकल कल्ट, बोधिसत्वास का कॉन्सेप्ट एंड यूज ऑफ पाली बुद्धिज्म को प्रपोगेट करने के लिए. काफी बेसिक सा क्वेश्चन है ये. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट जब हम महायान बुद्धिज्म की बात करते हैं? बुद्धा की प्रतिमा की पूजा, बोधिसत्वास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उनका कॉन्सेप्ट. देन दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो लोकल कल्ट है, स्थानीय पदों का इसका आत्मीकरण और बुद्धा दर्शन के प्रसार, पाली का जो उपयोग करते हैं इन द स्प्रेड ऑफ दिस. सो व्हिच ऑफ दीज इज एब्सोल्युटली करेक्ट? काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं जो एकदम आउट ऑफ बॉक्स आ गया जो आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट आंसर हियर इज डी, इसका क्या होगा, एब्सोल्युटली. तो ये बेसिकली हमारा मेजर हिंट था, अगर आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था तो यू विल बेसिकली नो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 45, देखिए टाइटल्स पे भी क्वेश्चन है. गुप्ता पीरियड से आपको कॉइन के क्वेश्चन भी इस ईयर में आए हैं, आपको टाइटल के क्वेश्चन भी इस ईयर में आए. ये दो ऐसे कॉमन चीजें हैं जो हर साल रिपीट होता है. सो द गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्ता द सेकेंड, ये किस नाम से जाने जाते हैं? ये नाम से जाने जाते हैं देवगुप्त, ये नाम से जाने जाते हैं देवराज, देवपुत्र या देवव्रत. सो विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आर एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्ता द सेकेंड?
सो देवगुप्त, देवराज, देवपुत्र एंड देवरथ ऑल्सो, जब आप रीजनल डायनेस्टीज करते हैं एंशियंट इंडिया की, मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी आप रीजनल डायनेस्टीज करते हैं वहां पे भी बहुत सारे रूलर्स के बहुत सारे टाइटल्स हैं, तो वहां से भी टाइटल्स देख लीजिएगा। एट द सेम टाइम कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन में स्पेसिफिकली टाइटल्स ही मेंशनड है, तो कौन से वो रूलर के इंस्क्रिप्शन है, कौन से टाइटल्स है। ऑल्सो अगर वो इंस्क्रिप्शन उनके किसी रूलिंग ईयर में निकला है, सपोज से 12th रेगुलर ईयर, 13th रेगुलर ईयर, तो कौन सा रूलिंग ईयर में निकला है, क्योंकि कभी कभी आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट आंसर हियर इज बी। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेमस कमेंटेटर्स ऑन द मनुस्मृति? सो मनुस्मृति के बेसिकली फेमस कमेंटेटर्स कौन है? ओके, आई थिंक वी आर बैक नाउ। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेमस कमेंटेटर्स ऑफ मनुस्मृति? ओके, सो वी हैव अपराका, वी हैव पुलका, वी हैव मेधती या वी हैव बिजनेस रा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट? अब तो दिख रहा है। ओके, परफेक्ट, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर, एब्सोल्युटली करेक्ट, द करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी। एंड मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट अलबरूनी एंड हिज अकाउंट ऑफ इंडिया इज एब्सोल्युटली करेक्ट? ओके, सो ओके, सो लेट्स फिनिश थ्री क्वेश्चंस एवरीवन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट अलबरूनी एंड हिज अकाउंट ऑफ इंडिया? ही वाज एक्साइल्ड इन ऑर्डर टू स्पेंड 10 इयर्स इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू हिम, पीपल ऑफ अनटचेबल कास्ट कुड ओनली लिव आउटसाइड द विलेज एंड टाउन्स। ही सपोर्टेड द व्यू ऑफ ब्रह्मगुप्त अबाउट द एक्लिप्सिस ऑफ नेचर। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, हिंदूज थिंक दैट देयर इज नो कंट्री लाइक देयर्स एंड नो रीजन रीजन लाइक देयर्स। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट? ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट अबाउट अलबरूनी? अगर आप फिर से नोटिस करोगे तो अगेन ट्रैवलर्स के बारे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन इसी सेम ईयर में, इन द ईयर 2020, आपको ट्रैवलर्स पे तीन क्वेश्चन आ चुके हैं, विच सिंपली टेल्स यू दैट ट्रैवलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम किसका क्या अकाउंट है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो अलबरूनी के बारे में ही दो क्वेश्चन स्ट्रेट अवे 2020 में आ चुके हैं। सो प्लीज मेक श्योर यू डू ऑल दीज थिंग्स प्रॉपर तरीके से। द करेक्ट आंसर हियर इज बी एंड मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 48, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो हमेशा आता है कि ब्रिक टेंपल कौन से, स्टोन टेंपल कौन से। सो वी हैव भितरगांव टेंपल कानपुर, वी हैव बेसिकली परशुरामेश्वर टेंपल भुवनेश्वर, लक्ष्मण टेंपल खजुराव एंड लक्ष्मण टेंपल सिरपुर। सो इनमें से कौन से टेंपल्स हैं जो स्पेशली ईंट के बने हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हियर आर ब्रिक टेंपल्स? एग्जैक्टली, यू कुड हैव एलिमिनेटेड इट वेरी वेरी इजिली एंड आई थिंक सबको ही अब धीरे धीरे एलिमिनेशन स्किल्स एवरीबडी हैज स्टार्टेड यूजिंग। दिस इज व्हाट आई वांटेड फॉर ऑल ऑफ यू, कि आप एलिमिनेशन यूज करना शुरू करें, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, बट जितनी भी आपने पढ़ रखी, जितनी भी आपके पास प्रीवियस नॉलेज है, एटलीस्ट उससे आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाओगे। एंड क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यू डू नॉट हैव टू मिस एनी क्वेश्चन इन द पेपर। एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट आंसर हियर इज सी। तो ब्रिक टेम्पल, स्टोन टेम्पल पे क्वेश्चन हमेशा आता है, यूपीएससी में भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 49, टू मोर क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फियरफुल वेपन अराइव्ड विद अरब व्हेन दे इन्वेडेड सिंध इन 1712? तो इनमें से कौन से फियरफुल वेपन है जो बेसिकली अराइव हुए थे अरब्स के साथ जब इन्होंने सिंध में इन्वेड किया था? हम बात कर रहे हैं नाफ्था की, हम बात कर रहे हैं हवाई की, हम बात कर रहे हैं बाण की, या हम बात कर रहे हैं मंजनीक की? सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट? अब ये जब आप इन्वेजन्स पढ़ते हैं तो उस टाइम पीरियड में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट्स किसके आने के बाद होती है, कौन कौन सी चीजें वो लेके आते हैं। जैसे आप देखोगे जब बाबर की भी एंट्री होती है तो देर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन की व्हाट आर द थिंग्स विच ही ग्रॉट सेपरेटली, जो पहले नहीं हुए थे। तो ये सब चीजों पर थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि आप देख सके। परफेक्ट,
Perfect. So the correct answer here is D, absolutely correct. And the last question for the session, with regard to education, inme se kaun se statements hai jo correct? Again, yaad rakhiyega, education ho gaya, women ho gaye, culture ho gaya, is sab pe ship building ho gaya, astronomy ho gaya, medieval India se ye area se questions kafi zyada frame ho rahe hain. So Iltutmish founded the Nasiriya Madrasa at Delhi in the memory of his son Prince Nasiruddin Mahmud. Razia appointed Minhaj Siraj as its principal. The Firoz Shahi Madrasa was founded by Sultan Firoz Tughlaq on the bank of Yamuna. The aristocracy engaged male female tutors for their son and daughters. तो इनमें से कौन से statements हैं जो सही हैं जब हम education की बात करते हैं कि भाई जो आपकी aristocracy class थी वो बेटे बेटियों की पढ़ाई के लिए पुरुष एवं महिलाएं शिक्षाएं नियुक्त करते थे या very very important सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने टेक्निकली फिरोज शाही मदरसा की स्थापना की थी या रजिया ने मिनहाज सिराज को इसका प्रचारक नियुक्त किया था और या इल्तुतमिश ने बहुत ही इंपॉर्टेंट नसरिया मदरसा जो है दिल्ली में वो बनाया था इन द मेमोरी ऑफ हिज सन. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. परफेक्ट. करेक्ट आंसर हियर इज बी. देखो ये सारे क्वेश्चंस के लिए ना आपको थोड़ा मिडिवल इंडिया का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना पड़ेगा. तो ये सब सेक्शंस अगर आप उड़ा देते हैं पढ़ते समय यू थिंक इट्स नॉट रेलेवेंट. सो लॉट ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आर कमिंग. 2020 एक एग्जांपल है. अगर आप 1918 में भी जाओगे तो मिडिवल के ये सारे एरिया से क्वेश्चन निकलते हैं. तभी मेजरली मिडिवल लोगों के गलत होते हैं बिकॉज लोग इतना ध्यान से पढ़ते नहीं. दैट इज वाई सम एरियाज ऑफ मिडिवल इंडिया जो मैंने आपको पहले ही बोला है फोकसिंग ऑन शिप बिल्डिंग साइंस एस्ट्रोनॉमी उनकी सोसाइटी वुमेन कॉन्ट्रीब्यूशन लाइब्रेरी एडुकेशन ये सारी चीजें थोड़ा ढंग से कर लीजिएगा जब भी आप प्रॉपरली पढ़ रहे हैं. ओके सो एवरीवन इन टुडेस सेशन वी फिनिश्ड 50 क्वेश्चंस एंड अगला 50 क्वेश्चन हम अगले सेशन में खत्म करेंगे. सो आई एम गोइंग टू मीट यू. प्लीज रिमेंबर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 11 बजे ऑन द ऐप. और मंडे को हम करेंगे प्री हिस्ट्री के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज. ट्यूसडे को हम करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपके हरप्पन सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस एंड वेडनेसडे को लेटर एंड अर्ली अर्ली वेदिक एंड लेटर वेदिक. तो प्रॉपर जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आप अपना प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं एट द सेम टाइम यू कैन कंपेयर विद अदर पीपल एज वेल एट द सेम टाइम अपना रैंक टेस्ट कर सकते हैं. उसके लिए आप 11 AM सेशंस को बहुत जोर शोर से शुरू करना आना शुरू कर दीजिए बिकॉज दीज सेशंस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो पहले जब हम कर रहे थे तो यू सेड कि अभी पढ़ना शुरू किया बट अब हमारे पास 2 महीने ही बचे हैं. सीइंग दैट द एग्जामिनेशन में हैपन इन जून और जुलाई तो प्लीज प्लीज अब फुल ऑन पढ़ना जो है ये शुरू कर दीजिए एग्जामिनेशन के लिए. और ये सेशंस को आप सीरियसली अटेम्प्ट करो. ऐसा करो कि आपने प्रीहिस्ट्री अभी तक तो कर ली होगी. नाउ सी कि इवन आफ्टर डूइंग प्रीहिस्ट्री वेरी वेरी प्रॉपरली व्हाट इज द प्रॉब्लम व्हिच इज स्टिल हैपनिंग वेयर आर यू स्टिल गोइंग रॉन्ग. अब आप आइडेंटिफाई करो कि पढ़ने के बाद भी क्यों गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस. सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन यू नाउ प्लीज अटेंड दीज 11 AM सेशंस क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम यूट्यूब पे हम क्या करेंगे यूट्यूब पे हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हर डे खत्म कर देंगे. आईपीएल का समय है तो हम भी अपना We are also going to have matches between 2 important topics. तो हर 2 topic को लेके हम हर एक particular sessions में खत्म कर देंगे. तो उधर भी आप topic wise करोगे, इधर 2-2 topics से questions कर रहे हैं. तो more or less by the time आपका April खत्म होगा, आपने majorly syllabus को questions के through खत्म कर लिया होगा. So please make sure you do not miss these sessions. And now थोड़ा serious हो जाइए, because if the countdown is on, everybody has started study and GRF के नीचे compromise नहीं करना है. At the same time, people who have given the examinations earlier, आप ये देख लीजिए कि पिछली बार कहाँ गलतियाँ हुई थी, so that you do not repeat this. Okay, yes, and all those people who want to call and who want to know anything which you were writing, you please message me your number or you can call the helpline number. If in case that's not working, you can just contact us and I will arrange a call for you. So don't worry about that at all. Okay, and so kal milenge. हम लोग नेक्स्ट सेशन में 11 बजे मिलूंगी ऐप पे और 3 बजे मिलेंगे यूट्यूब पे. तो टेक्निकली आपका दिन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग हो रहा है. इफ यू आर जस्ट अटेंडिंग दिस 2 क्वेश्चन आर 40-50 क्वेश्चन हर डे सॉल्व कर रहे हो तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस ना करें. एट द सेम टाइम प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया आपके सारे सेशन के नोटिफिकेशन मिस हो जाएंगे. सो वेन यू आर गेटिंग ऑल दिस अपॉर्चुनिटीज वाई मिस इट. सो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो भी इंपॉर्टेंट पेपर 1 प्लस पेपर 2 के सेशन हो रहे हैं इनका पार्ट बन जाइए. सो थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय. एंड Yes, daily class hoti hai, har din 3 baje aur har din subah ke 11 baje. Theek hai? So everyone, see you in the next session. Please revise prehistory and come 11 baje. Theek hai? Aur YouTube pe 2 topics pe hum competition karenge kis topic pe kitne questions aapko aa rahe. To YouTube sessions aur 11 baje ke sessions please miss mat kariyega April ke mahine mein kyunki ye session specially aap logon ke liye hi devised hai. Thank you so much. See you in the next session. Please take care everyone. Bye. All the best. Aap zor shor se lag jaiye and always remember you are the best. And also please don't compare your preparation with other aspirants as well. ठीक है चलिए. So see you in the next session. Bye bye.